प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो भारत के बायोटेक सेक्टर के ग्रोथ का प्रतिबिंब है। बीते 8 सालों में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है और इस क्षेत्र में हमारी इकोनॉमी $10 अरब से $80 अरब तक पहुँच चुकी है। पीएम ने कहा, दुनिया में हमारे आईटी प्रोफेशनल्स की स्किल्स और इनोवेशन को लेकर ट्रस्ट नई ऊंचाई पर है। यही ट्रस्ट, यही रेपुटेशन इस दशक में भारत के बायोटेक सेक्टर, भारत के बायो प्रोफेशनल्स के लिए होते हम देख रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत को बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है, तो उसके 5 बड़े कारण हैं। पहला है डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स क्लाइमेटिक जोन्स। दूसरा, भारत का टैलेंट, ह्यूमन पूल, कैपिटल। तीसरा है भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसकी वजह से प्रयास बढ़ रहे हैं। चौथा कारण है भारत में लगातार बढ़ रही बायो प्रोडक्ट्स की डिमांड। पांचवा कारण उन्होंने बताया, भारत के बायोटेक सेक्टर यानी कि आपकी सफलताओं का ट्रैक रिकॉर्ड। भारत को बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है, तो उसके 5 बड़े कारण हैं। उन्होंने बताया कि साल 2014 में हमारे देश में, हमारे वतन में, जहां सिर्फ 6 बायो इक्यूबेटर्स थे, तो वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर 75 पर पहुंच गई है। 8 साल पहले देश में 10 बायोटेक प्रोडक्ट्स थे, जिनकी संख्या 700 से ज्यादा आज वर्तमान में हो गई है। देश की पहली बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो, इस आयोजन के लिए, इसमें हिस्सा लेने के लिए और भारत की एक शक्ति का दुनिया को परिचय कराने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। $80 अरब तक हम पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में top 10 देशों की लीग में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। नए भारत की इस नई छलांग में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी बायरेक की बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में भारत में बायो इकोनॉमी का, रिसर्च और इनोवेशन का जो अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, उसमें बायरेक का अहम कंट्रीब्यूशन रहा है।